रोटी सबके लिए आ दो। वैसे आपने कुछ भी नहीं खाया अभी माता जी? कुछ नहीं खाया है। तो देखिए दोस्तों, देखिए मैं एक मोटिवेशन वीडियो के साथ आया हूं, और यहां पर मैं थोड़ा मार्केट आया तो मुझे एक माताजी मिली हुई है रास्ते में, तो मैं देखिए उनसे बात करता हूं। मैं आपको भी उनसे मिलाने वाला हूं और उनकी जीवन शैली के बारे में आपको बताने वाला हूं कि उनकी ज़िंदगी जो भी जीवन शैली है वो किस तरीके से अभी गुजर रही है। तो मैं माता जी से बात भी करना चाहूँगा। देखिए यहीं पर नाली के पास सोती हैं, यहीं पर इनका खाना पीना होता है। जो भी लोग रास्ते से गुजरते हैं वो उन्हें खाना पीना दे जाते हैं। दोस्तों तो माता जी बताइए, आप यहीं पर रहती हैं, आपका खाना पीना कहाँ पर खाती हैं बताइए? यहीं पर खाते हैं। माता जी बोल रहे हैं हम खाना पीना दोस्तों यहीं पर खाते हैं। तो देखिए इनका आता है, कभी नहीं आता है खाना। माता जी बोल रहे हैं कभी खाना आता है और कभी नहीं आता है। तो ये जितने भी बिस्कुट खा के सो जाते हैं, अपने बिस्कुट खा के माता जी गुजारा करती हैं। दोस्तों आपने इनका दुख देख लिया है दोस्तों, तो तकदीर कहां से कहां ले आकर इंसान को पहुंचा देती है ये कभी किसी को नहीं मालूम है। तो देखिए यहीं पर ये अपना गुजारा करती हैं, यहां पर सोती हैं, ये यहां पर नाली के पास में ये पड़ी हुई हैं। ये देखिए देखिए दूसरे रास्तेगीर से पैसा मांग रही हैं दोस्तों, लेकिन कोई किसी की मदद नहीं करता है दोस्तों। चले गए, उन्होंने उनकी नहीं हेल्प की है दोस्तों। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि कोई किसी के सपोर्ट नहीं करता, कोई किसी के दुख और दर्द को नहीं जानता है। क्या खाना चाहेंगे, आप पीना चाहेंगे? अभी तक तो कुछ खाया ही नहीं। तो देखिए दोस्तों माता जी बोल रही हैं अभी तक हमने कुछ खाया नहीं है, तो एक नमकीन खाई चार को और बस। तो बताइए माता जी आप क्या खाना चाहूँगी और पीना चाहूँगी सो बता दीजिए आप। तो देखिए दोस्तों अभी हम माता जी को पूछ रहे हैं खाने पीने की। तो अभी हम सुबह से आपने कुछ भी नहीं खाया अभी माता जी? अभी कुछ नहीं खाया है। तो देखिए दोस्तों माता जी ने सुबह से कुछ नहीं खाया, ये आपसे आपके सामने लाइव चल रहे हैं और लाइव बोल रही हैं दोस्तों। तो ठीक है, हम आप चार रोटी सब्जी ला दो। देखो दादाजी बोल रहे हैं चार रोटी और सब्जी ला दो, तो हम इनके लिए जरूर लेके आएंगे, आप इनकी इच्छा को जरूर पूरा करेंगे। देखिए चलो फटाफट मैं जाता हूँ होटल पर और माता जी के लिए भी रोटी लेके आता हूँ, सब्जी पैक भी करवा के ला, सब्जी लेके आते हैं और रोटी भी लेके आते हैं। दोस्तों आप यहीं पर फटाफट बने रहिए, वीडियो के अंदर बने रहिए, वीडियो को स्किप ना करिए दोस्तों। सब्जी अच्छी हो तो ले आना। हाँ सब्जी अच्छी हो तो बोल रहे हैं माता जी, सब्जी अच्छी हो तो ले आना। तो ठीक है हम सब्जी आपके लिए अच्छी ही लेके आते हैं, ठीक है? आप हमें ओनली 10 मिनट का वेट करिए माता जी, हम फटाफट आते हैं आपके लिए, ठीक है? देखिए ठीक है दोस्तों, देखिए आप। तो देखिए दोस्तों माता जी हमारा इंतजार करने लगी हैं और हम जा रहे हैं होटल पर। हम आ गए होटल पर। तो देखिए भाई हम आ गए माता जी के कहने पर, यहाँ पर होटल पर आ गए हैं और माता जी के लिए खाना पैक करवा रहे हैं। तो ठीक है भाई फटाफट कर दीजिए भैया। देखो कहते हैं खाने पीने से कुछ नहीं होता, इंसान की हेल्प करता है, किसी को खिलाने से भैया आपका कुछ नहीं जाता है। तो आप कृपा करके जो जितने भी लाचार लोग होते हैं आपको कहीं भी मिले तो उनको खाना पीना खिलाना चाहिए। तो भाई के होटल पर आ गए हैं और उनके लिए खाना पीना भी पैक करा रहे हैं माता जी के लिए। तो देखिए बहुत अच्छा होटल है भाई जी का, और देखिए हम होटल भी दिखा रहे हैं आपको वीडियो के अंदर दोस्तों। कृपा हम आपको ऐसा वीडियो दिखाने का कोशिश यही करते हैं कि लोग एक दूसरे के प्रति सम्मान से बने रहें और एक दूसरे की हेल्प करें, कहीं भी जाकर कोई भी मिले आपको तो इस तरीके से आप सभी का हेल्प करिए दोस्तों। ये भाई यार बहुत खुश हैं और देखिए आस्ते आस्ते काम कर रहे हैं भाई, टाटा बोलिए। ये होटल के सारे काम कर रहे हैं, देखिए भैया कितने खुश हैं भैया। देखिए भाई साहब का बहुत अच्छा होटल है, माता जी को यहाँ पर लाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं आई थी किसी कारणवश, तो इनके लिए हमको देखिए खाना पैक करवा के लेके जा रहे हैं दोस्तों। ये देखो भाई का खाना बन रहा है भाई जी, और अच्छा गर्म गर्म खाना माता जी के लिए लेके जा रहे हैं अभी। तो देखिए भाईजान को हमने पैसे दे दिए हैं, भाईजान ने देखो खाना भी पैक कर दिया है। तो देखिए पूर्णतः भाई हमने खाना पैक करवा लिया है, देखिए हमने कैरी बैग ले लिया है, उसमें लेके चलते हैं और माता जी खाना खिलाते हैं, वो भी दिखाते हैं आप उसका वीडियो। तो वीडियो के अंदर बने रहे हैं, अभी होटल से बाहर आ गए हैं दोस्तों। देखिए
माता जी के पास चल रहे हैं। आप माता जी, तुम भी खाना खाओगी? खा लो अगर खाना चाहती तो। बेटी इनको हमने पूछा, आप खाना खाओगी अभी? उन्होंने बोल रहे, माता जी बोल रही है अभी हमने बेटा खाना खा लिया है, तो हम दूसरी माता जी की जिनको भी पूछ लिया, लेकिन ये मना बोल रही है, कोई बात नहीं है। तो माता जी आप बढ़िया हो, यहीं पर रहिए। हाँ तो कोई बात नहीं। तो देखिए हम चल रहे हैं फटाफट और माता जी के पास आ गए हैं। ये देखिए आ गए हैं दोस्तों माता जी के पास, और माता जी को सो रही हैं, और देखिए उनके पास कटोरा है। ये देखिए दोस्तों इसमें खाना खिलाएंगे अभी माता जी को। तो देखो हमने ये खाना दे दिया है माता जी को, अभी ये करेंगे। तो देखिए दोस्तों माता जी खाना खा रही हैं और अच्छे से खा रही हैं, मैंने उनको खाना खिला दिया है और बहुत खुश हैं। और माता जी तो ठीक है, आप दिन में ये खाना खा लेना, बाकी जो पन्नी पैक हुआ है वो आप दिन में खाना खा लेना, आधा अभी खा लो और आधा बच जाए तो दिन में खा लेना आप। ठीक है ठीक है, माता जी बोल रही हैं कि मैं अपना खाना रख दूँगी और मैं दिन में खा लूँगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप लाचार माताएँ जितने भी आपको कहीं भी मिलती हैं, तो उनकी आप उनकी सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी बन सके आप उन्हें खाना खिलाइए और उनका दुख और दर्द समझिए। तो दोस्तों यही हमारा मकसद है, एक दूसरे के प्रेम भाव में हमेशा बने रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।